शिव टाइम के सारे दर्शकें, मेरा राम राम। मैं डिंपल वर्मा, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील मजालता, ब्लाक खून ते पंचायत थियाल विच मैं इस वेले खड़ोते दा। और मेरे खड़ोने की वजह पता की है कि जम्मू कश्मीर की सियासत दे विच बड़ा बड़े जेके फेरबदल हो जा रहे हैं। जिन्हें साढ़े जम्मू कश्मीर की आबादी नहीं है ना, तो जे अगर उगे स्थिति कन्नै अगर दिखा जाए तो उन्ने ज्यादा वोटर नहीं आने जिन्नियां ज्यादा पार्टियां बनी दी। हालांकि जिस कै जिस बंदे अगर वोट भी पाने जाना नहीं तो हज़ारा मारी उस खबर सोचना पौंदा कि अस कुसी कैंडिडेट की वोट पाचै, कुसी पार्टी की वोट पाचै, तो कुसी अस नेता की अस वोट पाचै। अस इसे विशेष रूप पर मेरे कन्नै गल करने इस वेला मौजूद भी है एक्स सरपंच जेहड़े थियाल दे न। सर बड़ा बड़ा शुक्रिया सर। मैं डिंपल वर्मा जी, सवाल करने को पहले मैं थोड़ी शिव टाइम का धन्यवाद करना चाहना कि पिछले दिन जदों लंपी वायरस इस इलाके आया तो असें तुसें गी अप्रोच किया और तुसें जियां इस साढ़े ग्रां दे विच इलाके दे विच पैर रखिया और थोड़ी जी बाइट लोकें दी लेती और उसी खबर की चलाया तो फौरी तौर पर उहदा एक्शन होया और एक्शन इन्ना बड़ा होया कि जम्मू लैवल दे, उधमपुर लैवल दे जिन्नियां टीमां हियां इस इलाके की पूरी फीडबैक मिली और साढ़ी जिहड़ी गौ माता ही उहदी रक्षा होई। और मैं थोड़ा बड़ा बड़ा थैंकफुल है कि हज़ारों जानवर बेजमान जानवर की जी जान थोड़े एक न्यूज़ के माध्यम करना जी बची। शुक्रिया सरवंत साहब। लेकिन मैं फिर भी वीडियो माध्यम करना दसी देना, जी सरवंत साहब ने बोलिया कि असें कुछ नहीं किया, वो जो भी किया इतों की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, जितने तकर साड़ी न्यूज़ गई होग ऑफिसर तकर, हालांकि इतों के काउंसलर की भी असें परसनल तौर पर जी न्यूज़ भेज दी ही। हालांकि एक्शन जोड़ा उन्हें अस थैंक्सफुल जो इतों की एडमिनिस्ट्रेशन और पोलिटिकल लीडर दिने। सरपंच साहब मेरा पहला इको क्वेश्चन है थोड़े कन्नै कि जियां जम्मू कश्मीर की अस गल की जा, इन ज़्यादा पार्टियां बनी और वोटर भी जोड़ा वो अच्छ परेशान हो, उसी पार्टी की अस वोट पाचै और कुछ लीडर की अस वोट पाचै। और अज की कंडीशन अस देखने कि अस हर प्हाड़ी इलाके जन्ने, लेकिन अज भी जोड़ा आम इंसान जोड़ा ना वो कुदे ना कुदे जो असं परेशान लभदा भी है और अस दिखने भी हैं। लेकिन हालांकि कुछ फैसिलिटियां जड़ियाँ गरीब लोगों की भी मिलियां ने जड़ियाँ, इस उपर क्या बोल के सकते हो? मैं डिंपल जी, मैं सीधे लफ्ज आखना चाहना कि सवाल तो थोड़ा बड़ा शैल लग्या कि पार्टियां इन्नी हो गई, लीडर इन्ने हो गए कि जिन्हें वोटर नहीं हैं, पर वोटरें ही सोचना चाहिए कि कौन कौन लीडर साढ़े इलाके दे अच्छा है, केड़ी पार्टी साढ़े इलाके दे अच्छा है। अज्ज जिसी चिट्टा कुर्तू लाने की जाच आती ना उगै तैयार हो जाता, आमी सरपंच बना, आमी खड़बंच बना, आमी MLA बना, ते कुसे पार्टी कन्नै नां लेइया कुसे की किश लाली पाप दिया था, कुसे की कोई लाली पाप दिया। लेकिन मेरी जड़ी सोच है, मैं अपनी सोच के माध्यम कन्नै आखना चाहना कि अज जो सरकार साड़ी देश दे विच है इन्नी मजबूत सरकार है कि जिन्ना साड़ी करंसी अज साड़ा देश जेहड़ी इकोनॉमिक पोजिशन है वो पंजवें नंबर पुजी, तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी हुंदे क्यादत दे विच अज हर यूक्रेन दा तुस दिखो, रशिया की तुस दिखो, रशिया भी अज मोदी साहब को आखदा भाई साढ़ा कोई समझौता करा के। तो मिकी लगदा कि अज यूक्रेन ते रशिया दा हल भी होगा साढ़े नरेंद्र भाई मोदी जेहड़े साढ़े देश दे प्रधानमंत्री और वो जिस पार्टी कन्नै बिलोंग करदे न उस पार्टी दे सवाए मिकी नहीं लगदा कि लोकें गी कोई दूआ निर्णय लेना चाहिदा, की के अज उंदा लक्ष्य हर घर पानी, हर घर बिजली, जे जे आम स्कीम दे माध्यम कन्नै लक्खां रुपये दे टेंडर लगे दे। अज तुस सड़कां दिक्खो जाल बिछाई चुक्या, अज लुक गै लुक पवा दी, अज तुस जम्मू दिक्खो फ्लाईओवर, सांबा दिक्खो, कठुआ दिक्खो, और जनधन खाते दे माध्यम कन्नै लोकें गी पैसे, किसान निधि दे कन्नै पैसे, उज्जवल योजना दे कन्नै पैसे, और हर तरीके कन्नै नौजवानें गी अज जेहड़ी थोड़ी जी निराशा ही कि रोजगार दी थोड़ी होई, उ'नें अग्निवीर दी भर्ती करियै साढ़े नौजवानें गी प्रोत्साहित कीता और नौजवानें गी अग्गें कड्ढेआ, अज्ज नौजवान भी खुश ऐ। और एह्दे माध्यम कन्नै गै मैं आखना चाहना कि दुए मैह्कमे दे विच भी बड़ी जल्दी कुछ जेह्ड़े भ्रष्ट लोग हे उं'दी वजह कन्नै जेह्ड़ा एह् इंप्लायमेंट दे उप्पर अंकुश लग्गे दा, लेकिन साढ़ी सरकार माने एल जी मोदी दे माध्यम कन्नै जो एक्शन लेने की जा रही है, और मिकी ते लगा अज्ज भ्रष्टाचार भी बड़ा घट है ते कम भी स्पीड कन्नै होआ करदा। मैं खास करी अपनी पंचायत की गल करां तो कुछ लोकें दी कमियां रहियां, लेकिन जो पंचायत का नुकसान होया साढ़े लोकें दा लोकें दी वजह कन्नै होया, मैं सरकार दी सरकार ने तो सब कुछ कीता, साढ़ा जेहड़ा विलेज है
जिस ग्रां तुस कुड़े आदर्श बिल्ले सरकार ने दिता और आदर्श बिल्ले च 20 लाख रुपया हर साल लगना हा लेकिन जेड़े चुने दे लोग न इत्थों दे जेड़े पंचायत ही शायद उन्हें पैसे की लगाने च नाकामयाब रही और दुए किस्म दे पैसे अज मैं दिखा ना कि साड़ी जेड़ी ठेकेदार इत्थै ठेकेदार कनैक्टर सिस्टम बना दा मैंने दुए पंचायतें दे लोग साड़ी पंचायत आइयै कम्म करा और जेड़े बने दे लोग न वह उस गल्ला पर खरे नहीं उतरी पा दे इ'यां गै PMAY दे मकान और मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहना थोड़े चैनल कन्नै कि पंचायत थ्याल का सर्वे किया जा जिन्हें लोगों की कच्चे मकान हे वह सारे के सारे वंचित हो गए मैनू तो सर्वे च ना गै नहीं आया 122 लोगों का सर्वे जियो टैग करवाई ही मैं और वजह कन्नै जिसलै फाइनल लिस्ट पंचायत ने की तो 76 लोग रही है और जेडे 40 to 50 लोग डिलीट होए ना वो ऐसे लोग सर कि उन्दे कोल इक इक रूम छुड़ी इक इक रूम भी नहीं है कोई गोडे च गुजारा करा दा कोई टीना का छप्परा बनाइए गुजारा करा दा और बिल्कुल हाउसलैस न और जिन्हें लोगों के मकान है पहली प्रायोरिटी दिया जाकर वो मैंने काफ़ी दूर उन्दे अगर मैंने मैं 100 to 10,000 करा लाओ मैंने 10 पिछे रहिए तो 100 वाले अगे जा रहे तो मेरा आखने का मतलब है मैं थोड़े चैनल के माध्यम कन्नै आखना चाहना कि खास करी PMAY जी साढ़ा पंचायत का रीसर्वे किया जाए और गरीब लोगों के जेडे मकान की वजह कन्नै जिंदे को मकान नहीं है वो वंचित होते हैं उन्हीं सरकार के माध्यम कन्नै कोई स्पैशल टीम बनाइए तो सर्वे करवाइया उन्हीं जेडे मकान दिलवाए जान मतलब हाली तक इस जी तुम आखने कि थ्याल पंचायत जो भी गरीब लोग तो उन्हें हाली तक कोई भी जो मकान वगैरह हाली नहीं मिले जेडे मकान सर बने ना 10 to 12 मकान उन्हें दिते प्रायोरिटी लेकिन जेडे लोग प्रायोरिटी जाते हैं उन्हें मकान नहीं मिले क्योंकि कोई हैंडीकैप्ड हा कोई अंधा हा और वो कोल मकान नहीं हा उदियां फाइलां भेजियां लेकिन उन्हें पंचायत की मिली भगती कन्नै होया जां महकमे की मिली भगती कन्नै होया मैं तो आखना चाहना कि इनकारी होनी चाहिए कि जिस बंदे का डबल स्टोरी मकान हो जेदे जिस बंदे को 30 सैकड़े स्लैब है वो स्लैब पेई तो जेदे घर टीना का छपरू है जां गोटे च रवा दा उसी मकान गै नहीं तो एदे कोला वड्डी होर केड़ी कमजोरी है तो जेहड़ी सरकार की एक स्कीम है केंद्र की जेदे कोल कच्चा मकान है उसी मकान देना इत्थें तो मैं आखा ना जिन्हें 8-8 कमरे न उन्हें मकान दे दिता गया बस सर तुस बोलने एक तरफ तुस बोलने कि साढ़े देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा अच्छा काम करी जा दे दूसरी तरफ तुस बोलने कि साढ़ी पंचायत बिच लोकी हाली तक कच्चे मकान नहीं मिले दे तो इस दे बिच कोई डिस्टेंस या कोई जो प्रतिनिधि नहीं चाहे अगर सरपंच तो गलती नहीं कर सकता या BDO गलती नहीं कर सकता या फिर DDC काउंसलर नहीं गलती कर सकता या फिर साढ़े रविंद्र राणा जी तो गलती नहीं कर सकते कुछ ना कुछ मैं आखना चाहना देखो मैं नहीं आखा कोई गलती है गलती है कि सरकार ने असेंगी एक खुली छूट दी कि जिंदा भी कच्चा मकान है उनकी जियो टैग कराओ यदि जिम्मेवार पंचायत ही पंचायत की छूट दी कि जिन्हें भी कच्चे मकान सारे के मकान देना BPL लोग होने चाहिए कमजोर तबके के लोग होने चाहिए तो गल इं हुई कि जल्द जियो टैगिंग होनी तो मिकी लगा कोई टैक्निकल फाल्ट की वजह कन्नै होया जां पंचायत की नलायकी की वजह कन्नै होया जां महकमे की नलायकी की वजह कन्नै सरकार की तरफा कोई नहीं है सरकार की तरफा एक एक पंचायत की 150-150 मकान मिला है लेकिन मेरा आखना मतलब यह है जब सरकार के घर खुला किस मिला है कि एक नहीं तुम 1,000 बनाओ तो उतने एक जड़ा भी करोई जा ये मुतलका लोकल या एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ नलायकी पाई जा करती है मैं मेरी रिक्वेस्ट यह नहीं है कि कोई टिप्पणी करने की मेरी रिक्वेस्ट है कि जोड़े लोग छूटे उन्हें की प्रायोरिटी दिता जा उनकी प्रायोरिटी रीसर्वे करवाया जा या इनकुआरी की जा कि वह कि डिलीट होए कोई गलती है अगर जो गलती पाई जाती तो दोषी करार देना चाहिए वो खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए गल की जा सर तुसें जियां बड़ा आख्या कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने हर तरफ जी रोड की जी सुविधा दी दी है सर सर इतुआ तुस लोकल भी रौह ले ना जनता भी थोड़ी गल सुने दी है आम जनता और पोलिटिकल लीडर भी थोड़ी गल सुनी जा रहे हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सुनी जा रही है सर डेमा टू थ्याल और थ्याल टू मां चौंतरा बड़ा बड़ा प्राचीन मंदिर है इतने पता नहीं किन्ने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी आता हाली तक सर इस रोड की पिछले साल भी इतने जगराता नवरात्र बिच एक भंडारा आता हजारा की लखा की तैदाद कन्नै श्रद्धालु इतने आते लेकिन सर नुहाड़े बाद च कोई ब्लैक टॉप गै नहीं होया फिर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने तुम बोलने कि ब्लैक टॉप चारों तरफ किया वो कि मैं सर कि सर प्राचीन मंदिर है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का नंबर 1 और पहला नंबर आ रहा शायद मंदिर जोड़ा है मां चौंतरा का गए रामनगर उधमपुर पूरा बिलावर डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोग जम्मू के लोग पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने का लोग जेके मां चौंतरा दरबार में आते और लखा हजारा की तैदाद कन्नै और अलगे इतुआ के जेके MLA जेके रेहदे RS पठानिया जी वह भी इतने माता दरबार रानी के और RS जेके अर्श देव जी ने
ओह भी इतने माता रानी के दरबार मत्था टेकने आते हैं, लेकिन रोड अज की डेट के उत्थे गए। मैं सर थोड़े चैनल के माध्यम करने पहले डिमांड करना चाहना कि फौरी तौर पर जोड़ा पार्ट बचे दा उसकी ब्लैक टापिंग किया जा और यदि जी तुम पूछा कि अज तक ये ओड़ी हुई तो मेरा आखना मतलब है कि अज तो 6-7 साल पहले सरकार ने एक CRF च एक प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट के माध्यम कने एक ठेकेदार कोई कश्मीर का उसने 27 करोड़ का प्रोजेक्ट जोड़ा मेरे ख्याल 24 या 25 करोड़ से लेता और 4-5 करोड़ का कम भी उसने किया। पिछले दिन उसी 1.5 करोड़ रुपया पेमेंट भी हुई और जिले सरकार ने जा महकमा उसी 1.5 करोड़ रुपये की पेमेंट की उसने आख्या मैं फौरी तौर पर ही ब्लैक टापिंग करगा। जी साड़ी है कि पिछली गर्मी से ही ब्लैक टापिंग होनी और ब्लैक गर्मी भी हुई हूँ सर्दियाँ भी आई अगली बरसात भी हुई अगली सर्दी भी आनी लेकिन उस ठेकेदार ने काम नहीं शुरू किया। सर एक गल और भी है नी थोड़ी गल बड़ी अच्छी है सर जिसलै जनता वोट दिंदी है ना कुसी भी पार्टी या कुसी भी कैंडिडेट की तो वह ये नहीं सोचती है कि ठेकेदार का काम है या कुसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर का काम है और रोड उपर जाते सिर्फ ही है कि अगर कठुआ का कुसी यात्रू ने जाना हो माता रानी के दर्शन करने जाना हो तो उन्हें यह नहीं दिखना उन्हें सिर्फ रोड दिखना कि असें चलने की सुविधा चाहिए होंगी बाकी बिच क्या होता वो इतों के पोलीटिकल लीडर दिखना जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर ने दिखा क्योंकि जनता ने तो अगर माता रानी दरबार होता साले बाद करना या फिर जो परमानेंट उत्थे रोते हो उन्हें का आना जाना होंगे बाकी बिच ठेकेदार के करा दे के नहीं करा दे इतों की एडमिनिस्ट्रेशन पोलीटिकल लीडर दिखना होता सर इस उपर क्यों नहीं बाकी सर मैं आखना चाहना थोड़े चैनल के माध्यम करना कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जनाब DC साहब आई कि अस पंचायतें बिच काम करने तो कम टेंडर होता 50,000 रुपये का टेंडर होता 30,000 रुपये का टेंडर होता 1-1.5 लाख 2 लाख ज्यादा को ज्यादा 5 लाख का तो DC साहब और BDO साहब या XM साहब 2 महीने के बाद असी नोटिस कटो महाराज थोड़ा कार्ड जरा ब्लैक लिस्ट किया जा तुसें कम नहीं किया कार्ड भी थोड़ा कैंसल तो जो कम किया पेमेंट भी तो मेरा आखना मतलब है कि अगर बड़ा ठेकेदार कोई कम नहीं करता तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी एक्शन लेना चाहिए अज वो ठेकेदार कम नहीं करा दा तो जनाब DC साहब की LG मोदी की और इतों के DDC बने जड़े या BDC बने या इतों की पंचायत के लोग इन्हें सारे एक कॉमन रेजुलेशन पाई है उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए और उन्हें फौरी तौर पर टेंडर कैंसल करिए दूई एजेंसी की देना चाहिए ताकि जियां एक निके ठेकेदार कन्ने बर्ताव किया जा करता है उन्हें के बड़े ठेकेदार कन्ने भी हो और अज 6 साल की यह जनता सारी पूरी वंचित है इन्हें सारे लोग कसूरगार मैं नहीं आखदा कि कोई इतों के इलैक्टेड रिप्रजेंटेट वो कसूरवार नहीं एडमिनिस्ट्रेशन कसूरवार नहीं अस भी कसूरवार हाँ क्योंकि असें भी आवाज़ बुलंद करने थोड़ी देरी करी ओड़ी असं ये आवाज़ 2 साल पहले चुकनी चाहिए या 3 साल पहले चुकनी चाहिए अज 6-7 साल के बाद इसी टेंडर भी होएगा और 6-7 साल के बाद और खास करी मैं कोई जंगलात की तरफों में ध्यान देना चाहना सर एक बार सर्वे होता NOCS सरकार की तरफा एक चिट्ठी जाती उपर कार्रवाई होती 6 महीने बाद फाइल रिजेक्ट पी फाइल बनती 6 महीने के फाइल बाद फाइल रिजेक्ट हूँ पी कार्रवाई कम तो सरकारी सर एक रोड बना दा और जनता की ओरा इन्ना बेनीफिट है अगर ये रोड बनी जा तो मिगी लगता कि साढ़े इलाके अगर जागत नौकर नहीं भी होना खोखे के रेहड़ियाँ लंघन ना तो भी 150 जागत बनता की कि डूडू बसंतगढ़ रामनगर प्हाड़ी इलाके का जिन्हें लोगों के आने जाने ना वो इस रस्ते च होना और इस रस्ते जरा जो लोग अंबरसर जो दिल्ली जो बाया दयाला चक जामा दा होइया उपर जाना खूने दा होइया उपर जाना और इस इलाके का एक बहुत बड़ी मेजर डिमांड है लेकिन मिकी नहीं लगा कि इस गवर्नर राज दे विच कोई कमजोरी है कि सियासी राज दे इसलिए है नहीं है तो गवर्नर साहब की चाहिए कि अगर ये न्यूज़ की दिखन तो इस न्यूज़ के उपर अमल करिए घट कोला घट दिन कम से कम जरा रोड बने उसी ब्लैक टापिंग नहीं किया जा अज एक मोटरसाइकिल एक साइकिल भी वो उपर नहीं चलता एक घोड़ा भी वो उपर नहीं चलता तो मेरा आखना जो श्रद्धालू जो जम्मू सांबा कठुए कम से कम भी थोड़ा जरा पैच वर्क पैच है बने का कच्चा पैच है और उसी ब्लैक टापिंग होना है उसी ब्लैक टापिंग कर दिता जा पैसे इंटे को सरकार को सब कुछ है ठेकेदार इंटे को सिर्फ एक आर्डर करने की जरूरत है ठीक है तो अगर ठेकेदार नहीं करता डिपार्टमेंटल भी हो जाता डिपार्टमेंट की कुछ दुए ठेकेदार की लाड़ करिए उसी रेट के उपर उसी ब्लैक टापिंग करा दिता जा। अच्छा सर मेरा हूँ एक आखिरी क्वेश्चन है थोड़े कन्नै चौथा चरण जो शुरू हो गया बैक टू विलेज की टीम का एक चरण भी होया दूगा भी होया त्रीया भी होया लेकिन हम चौथा चरण भी जोड़ा है कुछ ग्रां बिच भी इस वे चला जम्मू का शुरू होता लेकिन सर इस उपर क्या नज़र पागे कि बैक टू विलेज
जेके त्रै चरण होए और इत बिच जिन्ने आम जनता ने जेहड़े ओह कम्म दे रखे होंगे जेहड़े ए भी जनता भी दसी दा कि जेहड़े जेहड़ा ग्रां बिच बैक टू विलेज दियां टीमां आईयां और तुहाडे ग्रां बिच किन्ने कम्म होए ने ते उहदे बिच जेहड़े ओह किन्ने कम्म हाली तक तुहाडी पंचायत दे विच होए और जेहड़ा चौथा चरण आया इसदा की मकसद है सर। मैं सर मेरे नाल जिहड़ी है ना पंचायत ख्याल दी मैं गल करना चाहना। एक गै कम्म जिहड़ा अजे दा टांडर लगे दा ओह भी 3 लाख दा। पिछले सुनया कि फस्ट टर्न च 10 लाख रुपया आया, 20,000 रुपये कोई किसी मटेरियल आस्तै खरीदी लिया स्पोर्ट्स वगैरह का, और 3.5 लाख का जो टेंडर है वो 2 साल महकमे की और पंचायत की टेंडर लाने की लगी जी। मैंने 3 लाख के काम की 2 साल लगे, 2 साल के बाद हूँ टेंडर चुका। जिस ठेकेदार ने चुकया होगा वो काम तो करेगा। अज महीना 1.5 महीना हो टेंडर होगा, लेकिन मेरे नाल ये है कि 3 लाख रुपये का काम, 3.5 लाख रुपये का काम चला। बाकी 7 लाख कुछ गया कुछ नहीं गई आम जनता की कोई पता नहीं है कि इस पंचायत के ना के कोई कहीं ग्राम सभा हुई, ना के ग्राम सभा पुछिए प्लानिंग हुई, और ना के मैं ये आखना चाहना कि जरा कोई दिक्कत आवा कर दियां परेशानी आवा कर दियां ग्रां दे लोकां दे विच बेजिया उहदे उपर कदे भी कोई सोच विचार किया जा। अज इस पंचायत दे विच एक मर्डर भी होया, ठीक है ना, जनाब दे माध्यम नाल जनाब ने भी अप्रोच किया, शायद उहदे उपर कोई न्यूज़ वगैरह लाई होवे, लेकिन अज ग्रां पूरा डरे दा परेशान है कि अज 1.5 महीना होई गया मर्डर होए दा। मैं सरकार अगे सरकार अगर अपील करना चाहना कि उस मर्डर की तहकीकात की बिच भी स्पीड की जा, या पुलिस तो ठीक काम करा कर दी है, लोगों के अप्रोच भी करा कर दी है, इन्वेस्टिगेशन चला दी है, लेकिन ढिली है। अज 1.5 महीने के बीच कोई ना कोई बंदा लभना चाहिए जिसने मर्डर किया। अज तुम देखो कि अगर दिल्ली कोई मर्डर होता, पंजाब कोई मर्डर होता, जलसे जुलूस मजारे सब कुछ करते और महीना 2 महीने या 4-6 दिन कुछ ना कुछ रिजल्ट आता, लेकिन अज बड़ी देरी हुई। मैं थोड़े चैनल एक गल है जी, तुम्हें बड़ी अच्छी गल की, अगर उन्होंने पुलिस है पुलिस का थाने मुझे हल्ट है होगा ना बैठी दी मर्डर सर थ्याल होया तो पुलिस की अगर कोई बंदा इनफॉर्म करेगा जो पुलिस तक कोई बंदा सबूत दस ता पुलिस उसी बंदे गिरफ्तार कर देगा नहीं। अगर कोई बंदा बोलिए राजी नहीं हो जा पुलिस से लगी कोई सबूत नहीं होगा क्या पुलिस क्या पूरी थ्याल लोगों थोड़ा चुकी सकती है। उइया ते एक कमजोरी आवाज ना जे ग्रां दे लोग नु चुप करिए बैठे मिकी लगदा जे सराउंडिंग एरिया दे लोग न मतलब अज हुंदे उस फैमिली कन्ने होया कल हुंदी फैमिली कन्ने भी होई सकदा कुसे कन्ने भी होई सकदा। मिकी ये लगदा कि लोकें गी दसना चाहिदा जड़ा वो मर्डर होया एक ऐसी जगह होया एक पिंड साइड उपर थले 2-3 म्हल्ले रस्ते 2-3 गै न उस रस्ते ही आया गया। पुलिस अपने कोला पूरा जोर ला करदी है, SHO साहब डेली 1-2 घंटे ओहदे उपर कारवाई करदे ने, पुछमंग करदे ने, लोकें गी सद्दा करदे ने, टार्चर भी माड़ा मोटा करा करदे ने, सिस्टम भी चला करदे ने, लेकिन अज तक कोई इहदा हल निकलिया। मैं मेरा आखने दा मतलब है कोई शिकायत नहीं पर के अपील है कि इस मर्डर की तहकीकात होनी चाहिए, मर्डर बरामद होना चाहिए ताकि लोगों के बीच जो निराशा है लोग साढ़े इलाके पहले भी मर्डर होया लेकिन वो बड़ी जद्दोजहद के बाद उसी भी बरामद होया। अगर ये 2 या 3 मर्डर है लेकिन ये बरामद होना चाहिए। मेरी प्रशासन अगे भरपूर अपील है चाहे कोई भी अरवा पुलिस की लाने पवे किसी भी तरीके कन्नै अस सराहना करने पुलिस महकमे की भी, ऐसी कोई गल नहीं है कि कोई उनकी निंदा करा करने, लेकिन तहकीकात च थोड़ी रफ्तार तेज करन ताकि कोई मर्डर जड़ा है बरामद होए। और जड़ा एलीगेशन इतों के लोगों की लगा करता एक एलीगेटेड आदमी सामने आवे जिसने मर्डर किया के और ताकि बाकी लोग जड़े ये तो कोला बाइज़त जड़े अपनी इज्जत की बहाल कर सकन। शुक्रिया सरपंच साहब। मैं जनता का रिक्वेस्ट करना कि अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे देन, और मैं रिक्वेस्ट भी करना जड़िया ब्लाक खून दिया DDC काउंसलर न मैं दैनिक शिव टाइम की टीम अगे तरफा जो उनका थैंक्स फुल करना कि बड़ा अच्छा काम करा दी, बहुत ही अच्छा काम करा दी, हालांकि MLA साहब उनका को भी अच्छा काम करा दी, लेकिन मैं उनका रिक्वेस्ट करना कि दैमा टू थ्याल और थ्याल टू मां चौंतरा रानी का दरबार तक जो रोड है ना इसी जल्द को जल्द जो ब्लैक टॉप करवाई दिया जाए ता कि जे आने वाले नवरात्रे ना तो इन्हें श्रद्धालुएं इतों के जेडे और पूरे हिंदुस्तान के श्रद्धालु जो कोने कोने उपर बिच आते हैं तो उन्हें श्रद्धालुएं आने जाने पर कोई दिक्कत नहीं हुआ है। मैं उनके अगर रिक्वेस्ट करना और MLA साहब अगर रिक्वेस्ट करना और डिस्ट्रिक्ट उन्होंने प्रदीप भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर रिक्वेस्ट करना कि इस रोड की जल्द को जल्दी जो ब्लैक टॉप किया जा, और MLA साहब अगर भी रिक्वेस्ट करना खास करके रामनगर MLA अगे जेके इतों के जो जितते हैं RS पठानिया जी अगर भी रिक्वेस्ट करना कि तुसें एक बड़ा अच्छा काम जोड़ा इतने कीते दा केड़ा जेका थ्याल चुकवान यूथ आस्तै जेकी स्पोर्ट्स आस्तै बड़ा अच्छा काम कीता, एक बड़ी अच्छी प्ले ग्राउंड बना दी, हालांकि अस खुद जेहड़ी हर महीने बाद इस ग्राउंड बिच जरूर जने बड़ी अच्छी ग्राउंड बना दी, लेकिन
इत्थे जेह्का यूथ गी आने जाने आस्तै ना बड़ी ज्यादा दिक्कत होंदी ऐ, क्योंकि रोड जेह्का ब्लैक टॉप उत्थै बी नहीं है, किलोमीटर दूर है सिर्फ। अगर उसी रोड गी ब्लैक टॉप कीता जा और रोड तां कि ओह् जेह्का यूथ आंदी जंदी कोई दिक्कत दा सामना नहीं करना पवै, और जेह्ड़ी एह् ग्राउंड ऐ और जित्थै टूर्नामेंट हर म्हीने बाद जित्थै टूर्नामेंट चलदी ऐ तोड़ी बदौलत, ते कम से कम रोड गी ब्लैक टॉप कीता जा, ते मैं उंदे अग्गे रिक्वेस्ट करना, और तां कि जिस बेल्लै भी दो चार म्हीने बिच एह् रोड जां इस एरिये दे अगर इन्ना हारा कम्म अगर होया, तो खुद मैं दैनिक शिफ्ट टाइम की टीम जी इंदा थैंक्सफुल करगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। बंद कर।